पाकिस्तान में हालचाल मची हुई है मेलबोर्न में मैच के बाद। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। नमस्कार दोस्तों, 23 अक्टूबर संडे को भारत ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मैच में हराने के बाद पाकिस्तान में तो विवादों की ढेर लग गई है। कोई सीनियर क्रिकेटर्स, आम दर्शक सभी ने शुमा चक रखे है, कह रहे हैं कि भारत ने चीटिंग की है, चीटिंग से मैच जीते है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। नंबर वन नो बॉल में विराट कोहली का जो छक्का लगा था उस पर, सेकंड वन फ्री हिट में विराट कोहली बोल्ड होने के बाद जो 3 रन लिए उसको लेके पाकिस्तान वाले बोल रहे कि वो बॉल डेड होना चाहिए था। तो यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वाले मैच खेलने से पहले कुछ मैच के रूल्स भी पढ़ लीजिए। आखिर ICC का रूल्स क्या है और गेंद डेड कब होते हैं, फ्री हिट में बैट्समैन कैसे कैसे आउट हो सकते हैं, वही थोड़ा देख लेते हैं। पाकिस्तान वाले आप भी थोड़ा ये वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल क्या हुआ, विराट कोहली नो बॉल में छक्का मारा, उसके बाद जो फ्री हिट था उसमें विराट कोहली स्ट्राइक में थे, 3 बॉल में चाहिए थे 5 रन। मोहम्मद नवाज ने बॉल करी और विराट कोहली बोल्ड हो गए, बॉल थर्ड मैन की तरफ जाने लगा और विराट कोहली 3 रन भाग लिए। इसके बाद सोशल मीडिया में पाकिस्तानी दावा कर रहे कि ये बॉल विकेट में लगने के बाद डेड हो जाते हैं। तो पाकिस्तान वाले थोड़ा रूल्स भी सुन लो। रूल्स नंबर वन, गेंद तभी डेड हो जाते हैं जब वो बॉलर और कीपर के हाथ में चली जाती है। रूल्स नंबर टू, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बाद और बैट्समैन आउट होने के बाद बॉल डेड हो जाते हैं, और अगर बैट्समैन नहीं आउट होते तो बॉल डेड नहीं होते। जैसे विराट आउट नहीं था उस टाइम पे क्योंकि वो फ्री हिट थी। अब थोड़ा देख लेते हैं कि फ्री हिट में कौन सा तरीके से आउट हो सकते हैं। फ्री हिट में बेसिकली 4 तरीके से आउट हो सकते हैं। एक, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, जो कुछ साल पहले इंजमाम ने किया था। 2, रन आउट। 3, हैंडलिंग द बॉल, अगर बॉल हाथ से उठा लिया तो। और 4, डबल बॉल हिट करना, मतलब बॉल को 2 बार मारना। इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर बैट्समैन फ्री हिट में आउट होता है तो उसको आउट नहीं कह सकते और बैट्समैन रन ले सकते हैं। इसका मतलब जो टीम इंडिया ने किया वो ICC के रूल्स के मुताबिक ही था और जो पाकिस्तान दावा कर रहे हैं कि वो बॉल डेड थे वो सरासर गलत था। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।